नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस वीडियो फ्रेम में है हमारे साथ है बुलंदशहर से पूजा दक्ष, जो कि रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर है। बिल्कुल सही सुना आपने, इक्कीस साल की उम्र में इन्होंने जो किया है रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल जो है अचीव किया है। तो आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने फॉरवर में 124 CC का बिजनेस करके रिकॉग्नाइज मैनेजर लेवल हासिल किया है। मैनेजर लेवल जो होता है फॉरवर में, कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो उसका होता है ड्रीम लेवल। तो आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है अपना ड्रीम लेवल कंप्लीट किया है, वो भी इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है फरवर में, अभी एक साल ही हुआ है, और एक साल में इन्होंने जो है बहुत शानदार तरीके से काम किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पूजा आप लोगों के साथ में सारा डिटेल में शेयर करें, पूरा रोड मैप आपको शेयर करें, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और पूजा दक्ष के चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको फॉरवर्ड के बिजनेस को ग्रो करने के लिए सारी तमाम जो जानकारी आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं मिलेगी, सीधी काम की बात जो कि आपके लिए जरूरी है। साथ में अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, 2-3 साल आपको हो चुके हैं लीड जनरेशन, या फिर आप TLFO काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हो, और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, तो फ्री मास्टर क्लास इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पूजा दक्ष से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पूजा, आप थोड़ा सा शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ में कि किस तरीके से आपने मैनेजर लेवल जो है हिट किया, क्योंकि इंसान मैनेजर लेवल पहले यहाँ से बनता है, माइंडसेट से बनता है। तो माइंडसेट कैसे आया, किस तरीके से आपने किया, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच मैम अपनी चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और अगर मैं शेयर करूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं अभी, और मैंने एक साल पहले लास्ट ईयर में जनवरी में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और अगर मैं बात करूं जो मैंने लेवल अचीव किया है, तो वो मैंने अपनी टीम की सपोर्ट की वजह से, और जो मेरी टीम है TLF क्रिएटर्स, उसके ऑटोमेशन सिस्टम की हेल्प से मैंने ये लेवल अचीव किया है। अगर हमें कोई भी किसी भी बिजनेस में या किसी भी टारगेट को अचीव करना होता है, तो हमारे पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी भी टीम का सपोर्ट हो, किसी पर्सन का सपोर्ट हो, किसी सिस्टम का सपोर्ट हो। तो अगर मैं अपने मैनेजर लेवल की बात करूं, तो मैंने अप्रैल में अपना लेवल डन किया था मैनेजर लेवल, तो वो मेरा सिर्फ पॉसिबल हो पाया है जो कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है TLF क्रिएटर्स का। तो मैं जो मेरे अपलाइन है, जो ये ऑटोमेशन सिस्टम जिन्होंने हमें दिया है, मैं उन्हीं का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे अपलाइंस का, मेंटोर्स का, कि इस सिस्टम की वजह से बिना कॉलिंग करे, बिना DM करे, सामने से पर्सन हमारे पास आते हैं, हमारे वेबिनार को एक्सप्लोर करते हैं और हमें हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो उसकी हेल्प से मैंने ये लेवल अचीव किया है। बेसिकली हम करते क्या है, हमारी टीम में कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, सबसे पहले हम उसका जो है सिस्टम सेटअप कराते हैं यूट्यूब के ऊपर। अभी इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सिस्टम सेटअप कराते हैं, फिर गूगल के ऊपर हम जो है सिस्टम सेटअप कराते हैं। जैसे कि विद इन 1 मंथ जो 2 CC का पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट किया है, जो पैसा लगाया है, वो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए। कुछ प्रोडक्ट वो यूज कर ले, बाकी वो रिटेल करता है। क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि मैम इतने प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। तो हम पूरा सिस्टम सेटअप कराते हैं जिससे कि कस्टमर आए और ऑटोमेटिकली वो जो है प्रोडक्ट को रिटेल कर पाए। देखो आज के टाइम पर रियल मोटिवेशन क्या है, जब लोग आगे से अप्रोच करें, सामने से अप्रोच करके, मैम आपके साथ में काम करना है, मैम मुझे ये फॉरवर्ड का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम हमारी टीम में यही सेम चीज को डुप्लीकेट करते। ऐसा नहीं कि उनको कुछ मोटिवेट कर रहे, क्योंकि आप आज के टाइम पर लोगों को कितना ही चीजें दिखा दो, कितना ही शो ऑफ कर लो, कितना ही आप मोटिवेशन उनके दिमाग में भर दो, वो एक्साइटेड नहीं होंगे। एक्साइटमेंट कब होता है, जब कोई भी पर्सन को ये मैसेज आता है कि हेलो मैम मैंने आपका ये वीडियो देखा था, मुझे आपके साथ में काम करना है, हेलो मैम मैंने ये वीडियो देखा था, आपने इस वीडियो में ये बताया था, अब मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कि आगे फॉरवर्ड से रिलेटेड क्या काम करना होता है, फॉरवर्ड में किस तरीके से आगे हम ग्रो कर सकते हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली ना इस तरीके के मैसेज आते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्लैरिटी समझ नहीं आ रहा तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे आप समझ पाए। जैसे कि आपने ज्वाइन किया तो इस तरीके से हम आपका यूट्यूब चैनल सेटअप करवाते हैं, क्या वीडियोस बनानी है, क्या शॉर्ट्स बनाने हैं, सारा कुछ हम गाइड करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी किस तरीके से काम करना है, कैसे रील्स बनानी है, वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं। और साथ में आपको जो है बैकएंड सिस्टम बना बनाया मिल जाता है, कोई 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते, कोई टूल का इन्वेस्टमेंट हम आपसे नहीं लेते, हमारे जो अपलाइन है तरुण सर वो ही सारा कुछ सिस्टम सेटअप करके हमें प्रोवाइड करते हैं। आप अगर हमें ज्वाइन करते हो तो ये सिस्टम भी आपको बना बनाया मिल जाता है। तो वीडियोस के नीचे हम फनल को अपडेट करते हैं, और जो भी पर्सन हमारी वीडियोस देखता है, हमारी वीडियोस देखने के बाद में फनल को विजिट करता है, जैसे कि आप मेरे वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐसा लिंक देखेंगे, तो
जब भी कोई ऐसे लिंक्स को देखता है हमारे बिजनेस को अच्छे से समझ सकता है यहाँ पर डिटेल फिल करके, और इस तरीके से हमें जो है लीड्स आती रहती है। तो ये जब लीड्स आती है तो देखो यही रियल मोटिवेशन है डाउनलाइंस के लिए कि इस तरीके से लीड्स है। और बेसिकली अब जब आप अच्छे से काम करते हो तो आप देखते हो कि आपकी अपलाइन को आपकी टीम को अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, आप भी उस तरीके से उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि अगर आपने रिसेंटली फॉरवर्ड स्टार्ट किया है तो काफी टाइम से भी कर रहे हो तो ये आपने मेल देखा ही होगा। तो कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन करता है इस तरीके से मेरे साथ, तो हमारी टीम में हम सभी लोगों को, जैसे अभी ये मेरा सिस्टम मैंने खोला हुआ है, इस तरीके से हमारी टीम में सभी लोगों का इस तरीके से सिस्टम जो हमने सेटअप करा हुआ है, ये हर दिन इस तरीके से लोग ज्वाइन करते रहते हैं। कुछ लोग इवन 2 CC करने के बाद भी हमें अप्रोच करते हैं कि मैम 2 CC कर लिया है अब आगे बताइए। कुछ लोग 5K का बिलिंग कर देते हैं फिर बोलते हैं कि मैम आगे बताइए। तो इस तरीके से बिना हसलिंग के लोग काम कर पा रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके से ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो, फॉरवर्ड से रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ये 90 मिनट का फ्री मास्टर क्लास जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर रही हूँ, वो चेकआउट करिएगा। और अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड में हो, काफी टाइम से आप फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करें, किस तरीके से लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाए, जैसे कि आपको लाइक गूगल फॉर्म पर ट्रेडिशनल तरीके से काम ना करना पड़े, डीएम ना करने पड़े, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एक 2 डेज का वर्कशॉप मिल जाएगा, उसको जरूर विजिट करिएगा। उस 2 डेज के वर्कशॉप से ही आप सारा कुछ समझ सकते हो, हमारा पूरा बैकएंड सिस्टम पूरा अच्छे से समझ सकते हो, सेम चीज को आप आपकी टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि हम पे टूल के जरिए कर रहे हैं, पर आप फ्री टूल के जरिए कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें आप जो है 2 डेज की वर्कशॉप में सीख जाओगे, जरूर विजिट करिएगा। अब पूजा से थोड़ा बात करते हैं कि पूजा किस तरीके से टीम को गाइड करती है, किस तरीके से टीम के सपोर्ट से ये मैनेजर लेवल निकाल पाई है, थोड़ा सा पूजा से समझते हैं और उस सेम चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते। क्या इस लेवल को निकालने के लिए आपने किसी कॉल्स वगैरह किए, कुछ डीएम करने पड़े या फिर कुछ पैसा वैसा लगाना पड़ा? क्योंकि जो रियलिटी है ना वो थोड़ा सा शेयर करिए जिससे कि जो ऑडियंस है हमारी वो भी थोड़ा समझ पाए कि किस तरीके से वो भी कर सकते। यस मैम, जैसे कि अब मैं इस लेवल के बारे में बताऊं कि कैसे लीड जनरेट करी, कैसे बिजनेस पार्टनर्स को मैं टीम में लेके आई, तो सबसे पहले बात यह है कि ऑटोमेशन सिस्टम की। अब देखिए, लीड जनरेट उस तरीके से नहीं करते हैं हमारी टीम में कि मैं सामने पर्सन को कॉल कर रही हूँ या फेसबुक पे मैं ऐड चलवा रही हूँ तो उससे मुझे लीड आ रही है, मैं उससे वो मेरे गूगल फॉर्म को फिल कर रहे हैं और मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि आप 2 CC कर लीजिए, उनको वेबिनार दिखा रही हूँ, ट्रेनिंग दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से मैं काम नहीं करती हूँ। अब क्या है कि जो जो जैसे कि मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इसी तरीके से मेरे टीम में मेंबर्स हैं जो मेरे जैसे ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनको मैंने सिखाया है, जो मेरी टीम के पार्टनर हैं, और वो उसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका भी फनल क्रिएट है, उनको भी ऑटोमेशन सिस्टम दिया गया है। तो जिस तरीके से मैं लीड जनरेट करती हूँ, मैं उन पे काम करती हूँ, इसी तरीके से मैनेजर बनने के लिए मेरी टीम ने भी काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है, काफी ज्यादा मैंने अपने डाउन में अपनी टीम में काम किया है, जिससे कि जो सीसी है पूरी टीम के मिलके हम अपने लेवल को अचीव करते हैं, क्योंकि एक पर्सन 120 CC खुद नहीं कर सकता है, पूरी टीम का, पूरे अपलाइन का, पूरी डाउनलाइंस का सपोर्ट होता है, वो भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, तो उसकी वजह से हम अपना लेवल अचीव कर पाते हैं। और बात रही कि अमाउंट लगाने की या पैसा लगाने की, तो अमाउंट अगर लगाना होता है या इस तरीके से हमें कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, 120 CC में से कुछ सीसी हमारे रह जाते हैं, 4 या 5 CC, तो हम उसका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अगर थोड़े से सीसी से पीछे रहते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को रिटेल भी करते हैं, जैसे हमारे पास गूगल माई बिजनेस की शॉप होती है, ऑनलाइन रिटेल हम करते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के हम उसको रिटेल कर देते हैं अगर कुछ सीसी कम होती है तो। और क्या होता है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं अपने मैनेजर लेवल को करने के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ या बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मैं मैनेजर लेवल अचीव करूँ, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। बेनिफिट तब होता है कि हम पूरी टीम को साथ लेके आए और उनके साथ सीसीज क्रिएट करें और उनके साथ डाउन में कुछ सुपरवाइजर बनाए, एएम बनाए या मैनेजर बनाए, उससे हम अपने लेवल्स को अचीव करते हैं। तो मेरी जर्नी ये रही है कि मैंने पूरी टीम को ही साथ लेके काम किया, साथ लेके बिजनेस किया, तो मैं लेवल अचीव कर पाई। तो इस तरीके से पूजा दक्ष ने बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को डीएम करे, बिना घर से बाहर निकले 124 CC का बिजनेस किया, मैनेजर लेवल हिट किया। और अभी इस तरीके से हमारी टीम में काफी लोग जो है अच्छा काम कर पा रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हो, अगर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं,
करना चाहते हो तो हमारे दोनों के ही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।